मैं अपना बीए करके मास्टर्स करने लगी थी, तो एक तो लिटरेचर में ऑप्शन थी, लिंग्विस्टिक्स में ऑप्शन थी और मैथ्स कॉम में ऑप्शन थी। और मेरे पेरेंट्स का ये ख्याल था कि मैं लिटरेचर या लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक में करूं, बट मुझे हमेशा से जर्नलिज्म की फील्ड ज़्यादा एक्साइट की, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो थोड़ा सा मैंने स्टैंड उनके सामने लिया था। इट्स नॉट लाइक दे डिडंट गिव इन, बट एट दैट टाइम आई थिंक वो क्या चाह रहे थे, वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। उनको ये था कि फील्ड में शायद मेरे से काम ना हो, बिकॉज मैं इन ऑल गर्ल्स स्कूल रही, फिर इन ऑल गर्ल्स कॉलेज रही, मेरा कोई एक्सपोजर लड़कों के साथ या मेल उनके साथ कोई एक्सपोजर नहीं था। तो शायद उनको ये बात दिमाग में उनके चल रही थी कि शायद ये ना कर सके। मेरी एबिलिटी पे उनको पूरा यकीन था, बट आई थिंक वो उस स्टेज पे मुझे प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। नेचुरल प्रोग्रेशन थी मेरे। आई हैव ऑलवेज बीन द काइंड ऑफ पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। टेलीविजन मुझे अट्रैक्ट करता था और मैं जब डिफरेंट शोज देखती थी तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चल रहा था, यार इसमें ये सेगमेंट हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो, इसमें ये बात की जानी चाहिए थी, होस्ट को ये कहना चाहिए था। और पहले मैंने इसके करने से पहले बल्कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सलाम के नाम से, ऑन द मिसकंसेप्शन ऑफ इस्लाम इन द वेस्ट। उसके फौरन बाद मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी अरूज, वो मॉर्निंग शो कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आई नीड अ लॉट ऑफ आइडिया जनरेशन, आई नीड समबडी टू डू दिस विद मी। सो वहाँ से मेरा कंटेंट लिखने का आगाज़ हुआ और लकीली वो शो भी ख़वातीन के लिए ही टारगेटेड था। उसमें मैंने ख़वातीन के सेगमेंट्स बनाए, उनका स्क्रिप्ट किया और मेरा ख्याल है मेरा एक इनहेरेंट इंटरेस्ट भी था और मेरा दिमाग भी चलता था। मुझे थ्रू आउट करते हुए कोई प्रॉब्लम इसमें कभी फेस नहीं की मैंने, मेरा एक नेचुरल टैलेंट कह लें इसमें था, इसलिए मैंने इसको फॉलो किया। जितना एक्सपोजर होगा, जितनी रिसर्च होगी, उतना बेहतर कंटेंट राइटर होगा। अखबारों से लेके, मैगजीन से लेके, लोगों से बात करें, पब्लिक में घुले मिलें, उनसे आइडियाज़ आएंगे आपको, और अपने कंपेटिटर्स को भी देखें कि वो क्या कर रहे हैं, शायद वो आपसे बेहतर कर रहे हैं, और अगर बेहतर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आई नो ये बड़ी डिबेट चलती है कि अब टीआरपीस के लिए मॉर्निंग शोज में नाच रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बट मेरा सवाल फिर आता है, ये लोग देख रहे हैं तो वो कर रहे हैं, ऑडियंस भी इसका ब्लेम ले, तो आपको अपने कंपेटिटर को देखना बड़ा ज़रूरी होता है कॉन्टेंट राइटिंग में। इसके अलावा आपकी एनवायरनमेंट जो होती है आपको मुसलसल कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों के कॉपी ना करें या फिर पुरानी चीज़ को दोबारा रीवैम्प ना करें, मगर कोशिश करें कि आप रेलिवेंट रहें। और कहते हैं ना आपकी मसलों की पल्स पे आपका हाथ होना चाहिए। जो चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में, जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, जो इश्यूज़ हैं सोसाइटी में, जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस मिल रही है उनके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ जिनके लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं, जो भी आपकी होस्ट है, उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए आप कंटेंट डिज़ाइन करते हो। अगर उनका रुझान किसी खास तरफ है तो आप उसी तरह का कंटेंट करते हो, अगर वो ज़रा बबली हैं तो उसी तरह का शोखा कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हो। सो इट रियली डिपेंड्स कि प्रोग्राम किस तरह है, और एक्सपोजर, एक्सपीरियंस और रिसर्च, ये तीन चीज़ें हों तो आप यू कैन बी अ वेरी गुड कॉन्टेंट हेड एंड कॉन्टेंट राइटर। मेरी ये पता नहीं मैंने ये चूज़ किया था, ये वो ही वाली बात हो गई कि एग बिफोर द चिकन और चिकन बिफोर द एग। नेचुरली कुछ ऐसा हुआ है कि मेरा ज़्यादातर काम जो मेरे टीवी शोज से रिलेटेड था वो भी सारा ख़वातीन के लिए था। इसके अलावा जो मैंने लिखा वो भी ख़वातीन से रिलेटेड ज़्यादा होता है। असल में मैं लिखती वो हूँ जिससे मैं खुद गुजर रही होती हूँ। ज़्यादातर जो मेरी राइटिंग है उनमें कहीं ना कहीं मेरा अपना ओपिनियन, मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर हो रहा होता है। सो एज अ वुमन आई थिंक जो मैं फील करती हूँ मैं उसको प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ,
और उसी से मेरा उसी से कह लें कि मेरी राइटिंग्स जो हैं वो जन्म लेती हैं। साइबर लॉज अब तो आ चुके हैं, मगर पहली बात यह है कि 90% लोगों को यही नहीं पता कि लॉज में है क्या, फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। फिर सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिस पे यूं लगता है कि किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। पहली बात तो यह है कि प्राइवेसी सेटिंग्स आपकी बड़ी सिक्योर होनी चाहिए। अगर आप अनवांटेड अटेंशन नहीं चाह रहे, अगर आप ये नहीं चाह रहे कि दूसरे लोग आप में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करें या रैंडम आपको रिक्वेस्ट आएँ, ऑल ऑफ दैट, तो फिर शायद आप सोशल मीडिया आपके लिए नहीं बना। बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करते, मगर देन अगैन आजकल के एनवायरनमेंट को देखते हुए, आजकल की जॉब मार्केट को देखते हुए सोशल मीडिया से दूर रहना नामुमकिन है। तो मैं तो ये कहूँगी कि यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट। आई थिंक पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल व्यू एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आप दे सकते हैं तो दें, वरना उससे गुरेज करें। और एज फार एज फेसबुक इज कंसर्न्ड, उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स ऐसी करें कि आप बिल्कुल प्राइवेट सेटिंग्स में उनके अलाउड है कि आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं भेज सकता, आपके पोस्ट पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, आपकी वॉल कोई नहीं देख सकता। तो ये सारा कुछ आपका आपके अपने हाथ में है। बाकी स्नैपचैट है, इंस्टा है, ट्विटर है, ये भी बहुत पब्लिक हैं। एक जगह एक दफ़ा आपने जो बात कह दी स्नैपचैट में तो मेरे ख्याल है वो डिलीट हो जाता है, बट बाकी जो सारे हैं एक दफ़ा वो आपने बात कर दी तो वर्ल्ड के साथ शेयर हो जाती है। So you really have to choose which medium you're using first of all, and then privacy तो नहीं रहती, मेरा नहीं ख्याल आपकी privacy एक दफा आप social media पे आ जाएं तो रहती है। So that's something to think about. Honestly speaking, मुझे लगता है बहुत challenging है। एक सर्टन ओपननेस होती है मीडिया हाउसेस में, एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा होता है, बट देर इज सर्टन ओपननेस एंड फॉर यू टू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी लेवल इज इम्पॉर्टेंट। आप अगर खुद सीधे हैं और अगर आपने खुद अपनी एक स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स बनाए हुए हैं तो आप सेफ रहते हैं। बट हाँ, ये कहना कि it's very common to be facing harassment in terms of you know any form of media that you go to work for. Harassment is very commonplace. और ये एक इसका मेरे ख्याल में एक बड़ा disappointing factor है, but it's there. अगर आप choose करते हैं कि आपने media में जाना है तो आपको बहुत strong nerves की ज़रूरत है और आपको अपनी लिमिट्स को क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। देखिए, कहते हैं ना कि अगला भी तभी आपको आपसे फ्री होता है या आपको अप्रोच करता है जब वो समझता है कि इनको अप्रोच किया जा सकता है। एक दफ़ा अगर आप स्ट्रिक्टली मना करेंगे तो डेफिनेटली एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। सो ये आप पे इंडिविजुअल पे भी बहुत मैटर करता है, बट मीडिया हाउसेस में इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है। ऑनलाइन तो ऑथेंटिसिटी पता करना बड़ा मुश्किल है। जो आपके वेल रिप्यूटेड, वो वेल सर्टिफाइड लिंक्स हैं, उन्हीं से मेरा ख्याल है आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। बट यही तो डिलेमा है कि ऑनलाइन जो आपकी न्यूज़ है उसकी ऑथेंटिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एंड अ लॉट ऑफ न्यूज़ वेबसाइट्स दैट आर ऑनलाइन आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। बहुत कम ऐसे मीडियम्स हैं जिनको आप फुली ट्रस्ट कर सकते हो या कह सकते हो कि इनकी न्यूज़ 100% करेक्ट है। तो ऑनलाइन तो नहीं, बट लाइक उसमें भी आपको देखना चाहिए, अगर आप ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हैं तो मैं लाइक आई सेड, दोज दैट आर वेल रिप्यूटेड, दोज दैट आर वेल नोन इन द वर्ल्ड, एंड बाकी लोग भी वाउच कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी पे, उसमें आप बिलीव कर लें। आप जैसे जिस न्यूज़ वेबसाइट के लिए मैं काम करती हूँ उनका टैगलाइन ही है कि हम हार्ड फैक्ट्स देंगे विदाउट एनी एम्बिगुटी, यानी कि जो आपको खबर मिलेगी वो 100% एक्यूरेट होगी, जो कि एक नॉवल्टी है वेब के लिए, क्योंकि वेब पे जो आपको अमूमन नज़र आती है न्यूज़ वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं होती। लोगों ने पिक्चर्स के साथ प्ले किया होता है, फैक्ट्स के साथ प्ले किया होता है, सो यू नेवर नो। Thank you.
my answer is going to get me into a lot of trouble, but मैं equal rights में believe करती हूँ, मैं equal opportunity में believe करती हूँ, but मैं equality for both genders, saying that both genders are equal, इसमें मैं believe नहीं करती. औरत nurturing के लिए बनाई गई, औरत का एक खास रोल है इस सोसाइटी में, as mother, as daughter, as wife, और वो उस रोल को बखूबी निभाती है. मगर देखिए, हम औरत से वो सारे रोल्स नहीं करवा सकते जो मर्द कर सकता है. एंड द सेम गोज फॉर अ मैन. अ मैन कैन नेवर बी अ मदर. कहते हैं ना कि माँ से आगे कोई भी बच्चे को प्यार नहीं कर सकता. तो दोनों के जो रोल्स हैं वो स्विच करें तो वो, हाँ कई कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, मगर वो इंटरचेंज नहीं हो सकते. मैं इक्वालिटी ऑफ जेंडर में इस तरह से बिलीव नहीं करती, मगर मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स, इसमें 100% बिलीव करती हूँ.